नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। सीएनबीसी आवाज और एंटरप्रेन्योर मैगजीन की इस पेशकश में हम आपको नए बिजनेस आइडियाज देने के अलावा इंडस्ट्री की बड़ी आवाजों से मिलवाते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं कि वो बिजनेस को कैसे अप्रोच करते हैं। आज शो में हमारे साथ देखिए votex की केस स्टडी में कैसे आपके कस्टमर का फायदा बन सकता है आपका फायदा, और टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ भास्कर भट्ट आपको बताएंगे टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक जैसे हिट प्रोडक्ट्स बनाने के पीछे क्या थी उनकी स्ट्रैटेजी। बहुत से लोग इस शो पर हमें ईमेल करके पूछते हैं कि बिजनेस तो करना है लेकिन किस चीज का बिजनेस करें, वैलिड कंफ्यूजन है। कैसे पता चले कि आपके बनाए प्रोडक्ट के लिए कोई बाजार है, आपका बनाया प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं, और क्या अपनी लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ और वीकनेसेस के बावजूद कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जा सकता है? जवाब है हाँ। तो आइए शुरू करें पहले के एग्जाम्पल के साथ, जहां एक कंपनी ने बैंकों के एक्सपेंशन प्लान में ढूंढी अपने लिए अपॉर्चुनिटी और अपना प्रोडक्ट उनकी जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज करके बनाया रूरल बैंकिंग में अपना ग्रोथ प्लान। तनुश्री बैनर्जी के साथ मिलिए votex की टीम से। देखने में ये एटीएम किसी आम एटीएम जैसा ही है लेकिन है नहीं। इस एटीएम को सोलर एनर्जी से चलाया जा सकता है। एटीएम काफी हैवी मशीन होती है जिसे कांस्टेंट एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस एटीएम को बिना एसी के भी मेंटेन किया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस एटीएम को अंगूठा छाप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव में बैंकों की रिटेल सर्विस को पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं कनन लक्ष्मीनारायण, जिनकी कंपनी votex खास रूरल मार्केट और सेमी अर्बन शहरों के लिए बैंकिंग प्रोडक्ट बनाती है। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस। हमारा जो एम्बिशन था, जो आरजू थी, वो ये थी कि हर गांव में एटीएम लगनी चाहिए, विच मीन्स दैट वी हैव टू गियर अप टू डिजाइन, बिल्ड, मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर मोर देन 6 लाख एटीएम्स। बैंकों का रूरल फोकस बढ़ता हुआ देखकर votex ने साल 2005 में अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट की। रूरल मार्केट को इन्होंने स्टडी किया और रियलाइज किया कि गांव में बैंकों के कुछ टिपिकल कंसर्न हैं। एक तो गांव में बहुत पावर कट्स होते हैं, दूसरा यहां पर लोग बहुत टेक्नोलॉजी सावी नहीं होते, और साथ ही अगर गांव में एटीएम इंस्टॉल किया भी गया तो भी लोग अपने ट्रांजैक्शन कम ही रखेंगे। ऐसे में बैंकों को votex ने एक ऐसा ऑप्शन दिया जो उनके लिए गांव में एटीएम ले जाने का एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो। एक तो हमारा कैपिटल कॉस्ट सब्सटेंशियली लोअर है, लगभग आधा है, और इसके अलावा जो हमने फीचर्स इसमें बिल्ड किए हैं वो वहाँ टिपिकल गांव की माहौल में उसकी ऑपरेशन कॉस्ट को बहुत कम कर देती है। votex के ये एटीएम, जिन्हें कंपनी ने ग्राम टेलर का नाम दिया है, एक आम एटीएम के मुकाबले आधी कीमत पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहां एक नॉर्मल एटीएम मशीन पर महीने का बिजली का खर्च 15,000 रुपए आता है, वहीं ग्राम टेलर पर बिजली का खर्च महज 500 रुपए पड़ता है। जाहिर तौर पर इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी के पास या तो इनहाउस R&D होना चाहिए या फिर किसी और के साथ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। इसी मकसद से कंपनी ने IIT के साथ मिलकर काम शुरू किया। IIT मद्रास के साथ हमने बहुत क्लोज कोलैबोरेशन किया है पहले से, आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे न्यू आइडियाज वहाँ पर फर्स्ट प्रोटोटाइप करते हैं, ट्राई आउट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिफाइन करते हैं और फिर उसको प्रोडक्टाइज करके, प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके मार्केट में डिलीवरी करना हम votex में करते हैं। इस टाइप के लिए votex ने IIT मद्रास को शुरुआत में एक कंसल्टेंसी फी दी। अब हर एटीएम पर कंपनी IIT मद्रास को एक रॉयल्टी फी भी देती है। सूत्रों के मुताबिक रूरल बैंकिंग में 15-20% की ग्रोथ हो रही है। जाहिर तौर पर बैंक इस मार्केट को टैप करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में SBI ने votex को 18 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके तहत रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में votex को 545 ATMs इंस्टॉल करने हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े बैंक, रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए votex की ऑर्डर बुक में शामिल हुए हैं। और इस एंड votex बैंकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी करती है। We have had close interactions with banks right from the beginning, and constantly we have aligned our
product specifications and features to meet their expectations. Since we have built every piece in our product ourselves, it's very easy for us to alter things, modify things, and provide tailor-made solutions to different banks. कंपनी ने अपने इस यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग को आगे भी यूनिक रखने के लिए 5 पेटेंट्स फाइल कर दिए हैं। वोटेक्स को उम्मीद है कि भारत में जहां 1000 में से महज 0.04 यानी कि एक व्यक्ति से भी कम लोगों तक एटीएम पहुंचा है, वहां उनके लिए अभी बहुत काम बाकी है। तनुश्री बैनर्जी, मद्रास। You know, Votex अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज के साथ पहले टेक्सटाइल्स और हेल्थ के बिजनेस में था, लेकिन वहां कम ग्रोथ देखकर उन्होंने बैंकिंग पर फोकस किया। एंड एज यू सी इट्स पेइंग, तो सही वक्त पर सही मौका देखकर सही कदम उठाना एंटरप्रेन्योरशिप का एक लेसन है जिसे आप कभी भी मत भूलिएगा। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड ब्रेक के बाद चलेंगे टाइटन फ्लैगशिप स्टोर टू मीट टाइटन इंडस्ट्री सीईओ भास्कर भट्ट, जो हमें देंगे एक इनसाइट टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट इनोवेशन में। यू कांट गेट बेटर इनसाइट देन दिस, सो स्टे ट्यून्ड।